Yes, so today I am going to start the exercise 1.3. सारे टॉपिक सेट्स के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पार्ट 5 में. पार्ट 6 में हम सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और वन बाय वन इसको देखते हैं. एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लें और बाकी जो क्वेश्चन अगर छूटता है तो उसे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 1.3 द फर्स्ट वन इज मेक करेक्ट सिंबल्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस. दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट, दिस इज द सिंबल फॉर सबसेट एंड दिस इज द सिंबल फॉर नॉट सबसेट. नॉट सबसेट तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स इन सेट बी, देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सो सी नंबर फर्स्ट 2, 3, 4 एंड द फर्स्ट सेट इज 2, 3, 4 एंड द सेकेंड सेट इज 1, 2, 3, 4, 5. टू बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, टू बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, थ्री बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, थ्री बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, फोर बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, फोर बिलोंग्स टू सेकेंड सेट. सो फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. नंबर सेकेंड ए बी सी इज द फर्स्ट सेट एंड बी सी डी इज द सेकेंड सेट. ए belongs to first set but A does not belongs to second set, so ABC is not a subset of BCD. Number third, X such that X is a student of class 11th of your school. Means first set जो है class 11th के सारे students हैं और second set है X such that X is student of your school. यानी जो second set है वो school के सारे students का collection है. तो फर्स्ट सेट केवल 11th के स्टूडेंट हैं और सेकंड सेट में उस स्कूल के सारे स्टूडेंट हैं. तो 11th के स्टूडेंट भी उस स्कूल के स्टूडेंट्स में लाई करेंगे. सो फर्स्ट सेट इज़ ए सबसेट ऑफ सेकंड सेट. नंबर फोर एक्स एज दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड द फर्स्ट सेट इज एक्स एज दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन. यानी एक प्लेन में सर्कल ड्रॉ किया गया है. नंबर फर्स्ट हो गया और सेकंड है एक्स एज दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट. तो सेकंड वाले सेट में भी रेडियस हमारा एक प्लेन में ड्रॉ किया गया है लेकिन उसका रेडियस फिक्स है 1 यूनिट. लेकिन फर्स्ट वाले सेट में हमें रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो फर्स्ट वाला सेट सेकंड वाले सेट में लाई नहीं करेगा. क्योंकि फर्स्ट वाले सेट में क्या होगा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल होंगे. लेकिन सेकंड वाले सेट में क्या बोलना है कि सर्कल है लेकिन उसका यूनिट कितना है 1. तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें लाई नहीं करेंगे, इज नॉट ए सबसेट. नंबर फिफ्थ एक्स एज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन. मीन्स फर्स्ट सेट में एक प्लेन में ट्राइंगल है और सेकेंड सेट इज एक्स एज दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन. तो एक प्लेन में ट्राइंगल है, द फर्स्ट प्लेन में ट्राइंगल और सेकेंड प्लेन में रेक्टेंगल है. तो क्या ये ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में लाई करेगा? नो, आंसर इज नो. सो फर्स्ट सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ सेकेंड सेट. द नेक्स्ट इज एक्स एज दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन एंड द सेकेंड सेट इज एक्स एज दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. मीन्स फर्स्ट सेट में इक्विलेटरल ट्राइंगल लाई कर रहा है. इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. और सेकंड सेट में केवल ट्राइंगल लाई कर रहा है. अब ट्राइंगल किस टाइप का है? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल होते हैं. तो ट्राइंगल के नेम ही याद लग रहे हैं. फर्स्ट हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल, सेकेंड हो जाएगा आइसोसेलस ट्राइंगल, थर्ड हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, फोर्थ हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल, अब ये सेट फर्स्ट है, ये सेकंड सेट है. तो क्या इसका एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है? ऑब्वियसली लाई कर रहा है, ये यहाँ पर लाई कर दिया. सो फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. नंबर सेवन इज एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सेकंड सेट इज एक्स एज दैट एक्स इज एन इंटीजर. फर्स्ट सेट में हमारे इवन नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं 2, 4, 6 और सेकेंड सेट में हमारे इंटीजर्स लाई कर रहे हैं. और इंटीजर्स क्या होते हैं? केवल इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं दिया है. केवल इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स कहाँ तक लाई करेंगे? 0, +-1, +-2, +-3 अप टू इनफाइनाइट.
यहाँ देख लें, 2, 4, 6 सारे इसमें लाई करेंगे, +2, +4, +6, +8, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। सी द क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको तो स्टूडेंट्स खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें बस हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चेक कर लेंगे फर्स्ट सेट के अगर सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, तो सेकेंड सेट में हैं तो सबसेट होंगे, अदरवाइज नॉट सबसेट। नंबर 3, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, फिर कर्ली ब्रैकेट 3, 4, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं और क्यों। तो नंबर फर्स्ट में देखें, नंबर फर्स्ट दिया है 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, बट 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि 3 और 4 जो है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है, तो पूरे कर्ली ब्रैकेट 3, 4 इस एक एलिमेंट होंगे। तो 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, अगर यही हमारा डबल ब्रैकेट होता, ठीक है, एक तो ये कर्ली ब्रैकेट इसके लिए है, सेकंड कर्ली ब्रैकेट हमारा ये होता बाहर वाला, यानी इस टाइप से 3, 4, तो ये सबसेट ये ट्रू था, लेकिन ये फॉल्स है, ये इनकरेक्ट है। नंबर 2, कर्ली ब्रैकेट 3, 4 बिलोंग्स टू ए। नंबर सेकंड में 3, 4 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है क्योंकि 3, 4 सेट ए को बिलोंग कर रहा है। नंबर 3, डबल कर्ली ब्रैकेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये ट्रू है क्योंकि एक कर्ली ब्रैकेट 3, 4 के लिए, दूसरा कर्ली ब्रैकेट सबसेट बनाने के लिए। नंबर 4, 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है, 1 ए को बिलोंग कर रहा है। नंबर 5, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 1 सबसेट होगा जब इसको कर्ली ब्रैकेट में देंगे हम, कर्ली ब्रैकेट में ये ओनली 1 है यहाँ पे, तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है 1, 2, 5, 1 कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1, 2, 5 ये इनकरेक्ट है क्योंकि 1, 2, 5 इस सेट ए का सबसेट नहीं है, क्योंकि जब इसका हम सबसेट बनाएंगे तो उसमें 1, 2, 5 नहीं आएगा, ठीक है। नंबर 7, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए, ऑब्वियसली ये ट्रू है, 1, 2, 5 सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। 1, 2, 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मीन्स 1, 2, 5 सेट ए का सबसेट नहीं है, मीन्स 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 ये बोला है कि सबसेट ए का, लेकिन नहीं है क्योंकि 3 तो यहाँ पे अलग सेपरेट में दिया हुआ है, तो 3 हम सेपरेट ही इसका सबसेट बना सकते हैं, किसी अदर एलिमेंट के साथ ये 3 नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्या 5 सेट ए का एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। नंबर 10 है 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो 5 जो है सभी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये हमारा करेक्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट में 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, जैसे ही अगर केवल 5 लिखें, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन जैसे ही इसको कर्ली ब्रैकेट में देंगे तो ये 5 नल सेट का सिंबल नहीं है, ये एक एलिमेंट को शो करेगा। कर्ली ब्रैकेट में नोट करने का मतलब कि वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट को शो कर रहा है, और पार्टिकुलर एलिमेंट उस पूरे सेट में होना चाहिए, तो ये पार्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट सेट हुआ। नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस सेट दिए हुए हैं उसके सबसेट नोट करना है, तो सबसेट क्या हो जाएंगे,
सबसेट देख लें वन बाई वन। नंबर फोर में, नंबर फोर का फर्स्ट देखें, ये हमारा सिर्फ ए है, इसके सबसेट क्या होंगे, पहले तो फाइव, फिर उसके बाद एक सिंगल एलिमेंट, तो एक ही सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो ये हमारे सबसेट हो गए। नंबर टू में देख लें, नंबर टू में ए बी, तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, नल सेट, फिर एक सिंगल एलिमेंट, फिर उसके बाद पूरे के पूरे एलिमेंट एक साथ लेंगे, ये हो गया हमारा सबसेट। नंबर थ्री में देखें, वन टू थ्री के लिए सबसेट क्या हो जाएंगे, पहले फाइव, फिर उसके बाद वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर वन एलिमेंट हो गया, उसके बाद टू एलिमेंट, वन टू, टू थ्री, थ्री वन, एंड लास्ट में पूरे नंबर एक साथ ले लेंगे, वन टू थ्री। और नेक्स्ट है फाइव, तो फाइव का सबसेट क्या होगा, फाइव का सबसेट फाइव होगा। नंबर फाइव में देखें, नंबर फाइव, इफ़ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, मीन्स पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू फाइव, इफ़ ए इज़ इक्वल टू फाइव। तो पावर सेट के लिए फार्मूला क्या है, टू टू दी पावर एन, और ये फाइव का मतलब एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, जीरो, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, जीरो, फाइव मीन्स नल सेट नो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो टू टू दी पावर जीरो इज इक्वल टू वन, सो द पी ए इज इक्वल टू वन। नंबर सिक्स देखें, नंबर सिक्स में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इंटरवल में शो करना है, यहाँ पे एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू सिक्स और ग्रेटर देन माइनस फोर। इंटरवल में शो करने के लिए सिंपल सा है, पहले दोनों नंबर नोट कर लें, माइनस फोर एंड सिक्स। अब यहाँ देख लें, जहाँ पर इक्वालिटी का साइन होगा वहाँ के लिए क्लोज्ड इंटरवल, जहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं वहाँ पे ओपन इंटरवल, मीन्स ओपन इंटरवल माइनस फोर टू क्लोज इंटरवल सिक्स। नंबर सेकेंड देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स इज लेस देन माइनस टेन और ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व। तो यहाँ पे पहले दोनों नंबर को नोट कर लें, माइनस ट्वेल्व टू टेन, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, मीन्स ओपन इंटरवल, यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, मीन्स ओपन इंटरवल। नंबर थर्ड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज लेस देन सेवन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इसको भी नोट कर लें, 0.7, यहाँ इक्वालिटी का साइन है मीन्स क्लोज इंटरवल, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं मीन्स ओपन इंटरवल। नंबर फोर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू फोर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, यहाँ पे सेम वही प्रोसेस, थ्री फोर नंबर नोट कर लिए, इक्वालिटी का साइन यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ पर भी इक्वालिटी का साइन क्लोज इंटरवल। तो इस टाइप से हम लोग इंटरवल में शो कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है वहाँ पे ओपन इंटरवल, और जिस साइड में इक्वालिटी का साइन रहेगा वहाँ के लिए क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद है नंबर नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है इस इनइक्वालिटी को, तो सेम प्रोसेस तो यही है, इसका जस्ट हमको रिवर्स करना है। अब हमें इंटरवल में दिया है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, जैसे नंबर फर्स्ट का सेवन में नंबर फर्स्ट है ओपन इंटरवल माइनस थ्री जीरो, यहाँ पर ऐसे नोट करेंगे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज लेस देन जीरो और ग्रेटर देन थ्री। लेस देन इक्वालिटी का साइन नहीं देंगे क्योंकि दोनों साइड में हमारा ओपन इंटरवल है। नंबर टू देख लें, नंबर टू क्लोज इंटरवल 6 to 12, ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को ये सारे नंबर बिलोंग करते हैं, ये हो गया एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। अब यहाँ पे इक्वल टू इक्वालिटी का भी साइन है, रीजन क्या है कि दोनों साइड में क्लोज इंटरवल है। नंबर थर्ड, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी नंबर थर्ड है
ओपन इंटरवल 6 टू क्लोज इंटरवल 12, तो इसका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, वेयर x इज लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि इस साइड में क्लोज इंटरवल है लेस देन आर इक्वल टू 12 और इधर में ओपन इंटरवल मीन्स ग्रेटर देन 6। एंड नंबर फोर इज क्लोज इंटरवल -23 टू ओपन इंटरवल 5, इसका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R, वेयर x इज लेस देन 5, ओपन इंटरवल स्टैंड फॉर ओनली इक्वालिटी इनइक्वालिटी, और ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के लिए हम इक्वालिटी का भी साइन देंगे, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -23। उसके बाद है नंबर एट में व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कैसे यूनिवर्सल सेट के लिए ये दोनों सेट हमारे डिफाइन करेंगे। नंबर फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल और नंबर सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, मीन्स ऐसा सेट हमें लिखना है जिसमें ये दोनों सेट आ जाएं। तो फर्स्ट में क्या है, नंबर फर्स्ट में 9 के फर्स्ट में द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और नंबर सेकंड क्या है द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन हो जाएगा द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, केवल ट्रायंगल्स हम नोट करेंगे क्योंकि ट्रायंगल्स में सारे टाइप के ट्रायंगल्स आ जाएंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। और उसके बाद है नंबर 9, गिवन द सेट ए इज इक्वल टू 135 गिवन द सेट ए 135 सेट है गिवन है हमारा, तो सेट ए क्या गिवन है, सेट ए इज गिवन 135 एंड सेट बी गिवन, सेट बी गिवन 246 एंड सेट सी गिवन 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल थ्री सेट्स ए बी सी, यानी नीचे में चार ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूनिवर्सल सेट को फॉलो करेगा जिसमें कि ये तीनों सेट लाई कर जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट में देख लें कि नंबर फर्स्ट में 0 to 6 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पर 8 भी आ गया तो फर्स्ट वाला नहीं लाई करेगा। सेकेंड में नल सेट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। उसके बाद थर्ड में देख लें 0 to 10 नंबर लाई कर रहे हैं, पहले फोर्थ भी देख लें, फोर्थ में 1 to 8 नंबर लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी 0 आ गया तो जो फोर्थ वाले में उसमें लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर थर्ड वाले को चेक करें, थर्ड वाले में तो इसमें हमारे 0 to 10 तक के नंबर लाई कर रहे हैं और ये सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, ये भी इसमें आएंगे और ये भी इस एलिमेंट इसमें आएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में एक्सरसाइज 1.4 फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, हमें यूनियन फाइंड करने हैं पेयर ऑफ सेट में। तो फर्स्ट नंबर है x इज इक्वल टू 135 एंड y इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है आइदर a और b और बोथ। तो यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक एलसीएम जैसे फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे 1, 2, 3 एंड 5। उसी टाइप से हम नंबर सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कर लेंगे,
नंबर सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर टू, सेकंड नंबर इज लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो पहले चेक कर लें. ध्यान रखें ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, ए बी को ही बिलोंग कर रहा है, बी ए को बिलोंग कर रहा है, बी बी को ही बिलोंग कर रहा है. सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं. ये फर्स्ट आंसर हुआ. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ए यूनियन बी, यहाँ से ए यूनियन बी फाइंड कर लें. ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए बी सी. नंबर थर्ड इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी. तो इसी वाले एग्जांपल पर देखें क्योंकि इस कंडीशन में ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा. तो ए यूनियन बी यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ देख लें ए यूनियन बी यहाँ फाइंड किया गया है. तो इस ए यूनियन बी का वैल्यू किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है या सेट बी के, ऑब्वियसली सेट बी के इक्वल है. तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, बी. ये आंसर हुआ. नंबर फोर, सेट ए इज गिवन, सेट बी इज गिवन, सेट सी इज गिवन, सेट डी इज गिवन, फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज. यहाँ पे सारे सेट दिए हुए हैं और हमें वैल्यू फाइंड करना है. जैसे एक क्वेश्चन हम बताते हैं, इसमें पहले तो नोट कर लें कि सारे सेट का वैल्यू कितना है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं. तो सेट ए नंबर फोर, सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी कंटेन्स द एलिमेंट 3, 4, 5, 6 एंड सेट सी कंटेन्स द एलिमेंट 5, 6, 7, 8 एंड सेट डी कंटेन्स द एलिमेंट 7, 8, 9, 10. फाइंड इसमें से एक वैल्यू हम बताते हैं, इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे. जैसे हम फाइंड करते हैं यहाँ पे नंबर फिफ्थ. नंबर फिफ्थ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी. हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी तो फिलहाल में केवल यूनियन ही निकालना है सारे में. तो यहाँ पे अगर दो का तो यूनियन निकालना है तो सिंपली हम यहाँ से इस टाइप से निकाल लेंगे. लेकिन अगर दो से ज़्यादा की यूनियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका एक सिंपल सा मेथड है कि पहले दो सेट का यूनियन निकाल लें फिर थर्ड सेट का यूनियन निकाल लें. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें, सेट ए कितना है, यहाँ देखें 1, 2, 3, 4 यूनियन. सेट बी कितना है, 3, 4, 5 एंड 6 एंड यूनियन. एंड सेट सी कंटेन्स द एलिमेंट 5, 6, 7 एंड 8. तो पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लें. इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनियन 5, 6, 7, 8. अब इन दोनों का यूनियन निकाल लें. तो इन दोनों का यूनियन कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. दिस इज योर आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन. तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एबव. यानी क्वेश्चन नंबर, इस वाले क्वेश्चन में जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर वन एबव, क्वेश्चन नंबर वन में जो भी हमारे सेट दिए हुए हैं उसका इंटरसेक्शन निकालना है. तो खैर इंटरसेक्शन यहाँ से हम सिक्स में बता रहे हैं, आप लोग फिफ्थ वाला सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखें, सिक्स में इफ़ ए इज इक्वल टू क्या है, 3, 5, 7, 9 एंड 11 एंड सेट बी कंटेन्स द एलिमेंट 7, 9, 11 एंड 13 एंड सेट सी कंटेन्स द एलिमेंट 11, 13 एंड 15 एंड सेट डी कंटेन्स द एलिमेंट 15 एंड 17. अब हमें डिफरेंट टाइप के इसमें वैल्यूज़ फाइंड करने हैं. तो एक हम ऐसा लेते हैं जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आ जाए. तो इसके लिए हम नंबर सिक्स ले रहे हैं. नंबर सिक्स क्या है, नंबर सिक्स के लिए
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों वैल्यू आ जा रहे हैं, यहाँ से हम दोनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट में सारे वैल्यू को नोट कर लें, सेट सेट ए क्या हो जाएगा, सेट ए, सेट ए कंटेन्स द एलिमेंट 3, 5, 7, 9 एंड 11 इंटरसेक्शन। उसके बाद अब इस ब्रैकेट में देखें, अब इसमें बी यूनियन सी है, तो बी क्या है, सेट बी 7, 9, 11 एंड 13 यूनियन। अब यूनियन का सिंबल हो गया, अब उसके बाद क्या है, सी, एंड सेट सी कंटेंस एलिमेंट 11, 13 एंड 15। ये हो जाएगा, इसको नोट कर लें, 3, 5, 7, 9 एंड 11 इंटरसेक्शन, और इसका यूनियन फाइंड कर लें, ये हो गया 7, 9, 11, 13 एंड 15 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो अब ओवरऑल इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ओवरऑल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना होगा, कॉमन देख लें, कॉमन वैल्यू क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जस्ट लाइक एचसीएफ, जो दोनों सेट में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मीन्स ए एंड बी बोथ साइमल्टेनियसली। तो इसमें कॉमन क्या है, सबसे फर्स्ट में 7, और क्या कॉमन है 9, एंड नेक्स्ट कॉमन वैल्यू इज 11। सो द ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज 7, 9 एंड 11। सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स विल सॉल्व। द क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ ए इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड बी इज अनदर सेट हैविंग द एलिमेंट एक्स एज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड सी इज अनदर सेट हैविंग द एलिमेंट एक्स एज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड डी इज अनदर सेट हैविंग द एलिमेंट एक्स एज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो सबसे पहले इस ये सेट हमारा दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे हम चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमको सबसे फर्स्ट में चेंज करना होगा टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए नंबर 7 के लिए सेट ए कितना हो जाएगा, सेट ए दिया क्या है, एक्स एल दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। सेट बी क्या हो जाएगा, एक्स एल दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2, 4, 6 एट अप टू। इसके बाद सेट सी क्या है, एक्स एल दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर इज 1, 3, 5, 7, 9 एंड सेट डी इज एक्स एल दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है, जैसे हमारा फर्स्ट हुआ नंबर फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन क्या आएगा, ए और बी में कॉमन आएगा 2, 4, 6, 8 कॉमन देख लें दोनों में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, 2, 2 इसमें भी है, 4, 4 इसमें भी है, 6, 6 इसमें भी है, 8, 8 इसमें भी है, ठीक है। या तो ये भी आंसर सही है या फिर अगेन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे, एक्स द टैक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है। उसके बाद नंबर सेकेंड देखें, नंबर सेकेंड में ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी में कॉमन देखा गया है, ए और सी में सी क्या है हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, और ए सिर्फ नेचुरल नंबर है और सी ऑड नेचुरल नंबर, यानी इस सेट और इस सेट में हमें कॉमन देखना है। तो इस सेट में कॉमन क्या है, अगेन 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, यानी 1, 3, 5, 7 यानी इस ये सारे एलिमेंट सेट में आ जाएंगे, तो सारे कॉमन ही हैं। इसको भी इस टाइप से रहने दें या फिर नोट कर लें, एक्स दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल
नंबर्स, ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ऑड नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ऑड नेचुरल नंबर हो गया, वो इवन नेचुरल नंबर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स होता है कि सेट ए का सेट बी से कोई लेना देना नहीं है, मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं मैच कर रहे हैं, तो वो हमारे सेट क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे अगर फर्स्ट वाले में देखें, नंबर फर्स्ट में जो 8 का फर्स्ट है, इसमें क्या है, फर्स्ट सेट जो है 1, 2, 3, 4 है, और जो सेकेंड सेट है वो किस टाइप में है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कैसे हैं, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 6 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 6 तो इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो 4, 5, 6, ठीक है। तो इसमें आ गया 4, 5, 6, यानी एक्स का वैल्यू 4 से ग्रेटर है या इक्वल है, या 6 से लेस है या इक्वल है। अब यहाँ देख लें, इस सेट और इस सेट में कंसीडर करें, क्या इन दोनों में किसी भी टाइप का कोई लिंक है, ऑब्वियसली लिंक तो है, यानी इसमें क्या है हमारा कि एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जो कि दोनों में कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। डिसजॉइंट मीन्स हो जाएगा कि एक पहले सेट का दूसरे सेट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे सेकेंड वाले में ए ई आई ओ यू फर्स्ट सेट एंड सी डी ई एफ सेकेंड सेट, तो इसमें देखिए इसमें भी ई जो है कॉमन है दोनों के लिए, ये भी हमारा डिसजॉइंट नहीं है। नंबर थर्ड पर कंसीडर करते हैं, नंबर थर्ड क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन इंटीजर, ठीक है। तो पहला जो सेट है वो इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर में 2, 4, 6 इस टाइप से है, एंड द सेकेंड सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर मीन्स 1, 3, 5 इस टाइप से। अब देखें ये इवन, ये इवन हो गया और ये हमारा ऑड हो गया, तो इवन और ऑड का कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 में हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्शन अभी तक तो बताया नहीं था, इसका एक मेथड देख लें। जैसे सेट ए क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। सेट बी क्या है, सेट बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड 20। सेट सी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। और सेट डी क्या है, 5, 10, 15, 20। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं, जैसे ए माइनस बी, ए सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है, और उसके बाद ए माइनस सी, इसके बाद है ए माइनस डी, इस टाइप से सारे को सब्सट्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। फिलहाल में इसको देख लें, ए माइनस बी यानी ए में से बी को माइनस करेंगे, तो बी के वो सारे एलिमेंट ए से रिमूव कर दें। ए माइनस बी मीन्स जो भी बचेगा सेट ए का एलिमेंट बचेगा, ए माइनस सी मीन्स जो भी बचेगा सेट ए का एलिमेंट बचेगा, ए माइनस डी मीन्स जो भी बचेगा सेट ए का एलिमेंट बचेगा, और अगर डी माइनस सी कहीं नोट है इसका मतलब डी में से सी को माइनस करेंगे तो डी का कुछ एलिमेंट बचेगा, और अगर बी माइनस सी करें तो बी का कुछ एलिमेंट बचेगा सी को माइनस करने के बाद, और अगर हम बी माइनस डी कर दें, बी में से डी को रिमूव करना है, तो बी में से डी को अगर रिमूव करेंगे तो बी का कुछ एलिमेंट बचेगा, यानी फर्स्ट वाले सेट से ही कुछ एलिमेंट हमारे बचेंगे। इसमें रिमूव कर लें तो ए माइनस बी में क्या हमको रिमूव करना है, बी का सारा एलिमेंट रिमूव कर देना है। यहाँ से 4 है नहीं इसमें, 8 है नहीं, ठीक है 12 को रिमूव करेंगे, 16 तो है ही नहीं, 20 भी नहीं है, तो यानी 12 को रिमूव कर दें, बाकी जो बचता है हमारा ए माइनस बी मीन्स 3, 6, 9, 12 को रिमूव कर दिए, माइनस कर चुके हैं 15, 18, 21। अब ए में से सी माइनस करना है,
यहाँ देखें टू तो इसमें है नहीं, फोर भी नहीं है, सिक्स सिक्स है रिमूव करना है इसको, उसके बाद एट भी नहीं है, टेन भी नहीं है, ट्वेल्व रिमूव करना है, फोर्टीन भी नहीं है, सिक्सटीन भी नहीं है, तो ए माइनस सी कितना हो जाएगा, थ्री नाइन फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन। ए माइनस डी में, ए माइनस डी के लिए हमको क्या क्या रिमूव करना होगा, डी के सारे एलिमेंट को रिमूव करना होगा फ्रॉम ए, तो फाइव तो इस सेट ए में है नहीं, टेन भी नहीं है, फिफ्टीन यहाँ पर एक फिफ्टीन आ गया तो फिफ्टीन को रिमूव कर दें, बाकी सब जो बचा सेट ए माइनस डी हो जाएगा, ये हो गया थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एटीन एंड ट्वेंटी वन, तो रिमूव क्या हुआ है हमारा, फिफ्टीन रिमूव हो गया है, ये ए माइनस डी हो गया। इसी टाइप से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है स्टूडेंट्स को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन भी सॉल्व हो जाएगा, इलेवन भी सॉल्व हो जाएगा और ट्वेल्व, यानी एक्सरसाइज 4.1.3 और 1.4 में जो भी क्वेश्चंस अगर बचते हैं तो उससे सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट या जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो मैक्सिमम हम सॉल्व कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.5, जिसमें हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे 1.6, जिसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हुए हैं यहाँ पर। 1.5 और 1.6 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट।